तो हेलो दोस्तों, माली भाई की क्लास में आप लोग का वेलकम है। तो आज हम लोग माली भाई के साथ सीखने वाले हैं क्वेश्चन 3 का 6वां क्वेश्चन। तो गिवन क्या है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 2 दिया है, 8 इज इक्वल डी का वैल्यू 8 दिया है और एस एन दिया है 90, और फाइंड करना है अपने को एन और ए एन। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो गिवन रहता है, हम लोग को उससे ही स्टार्ट करना होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ए 2 दिया है, डी 8 दिया है, एस एन 90 दिया है और फाइंड करना है एन और ए एन। तो हम लोग को गिवन क्या है, एस एन। तो एस एन के लिए हम लोग एन एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का हम लोग ने फॉर्मूला लगा दिया। अभी देखेंगे एस एन का वैल्यू क्या दिया है, 90 दिया है, तो 90 पुट कर देंगे हम लोग। एन बाय टू का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। उसके बाद टू ए का वैल्यू क्या है, 2 दिया है प्लस एन माइनस 1 है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास नहीं है, एन माइनस 1। डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, डी का वैल्यू 8 है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 90 को हम लोग को 2 को वो साइड लेके जाएंगे, तो 90 × 2 हो जाएगा, एन 2 2 4 प्लस 8 × n 8n − 8 × 1 8। हम लोग 8 का मल्टीप्लिकेशन इसमें पूरा कर दिए। अब 92 180 इज इक्वल टू 4। अभी देखेंगे यहाँ पे 4 और 8 था यहाँ पे, यानी कि आपके पास 50 रुपये था और आपके पास −8 रुपये उधारी में था और आप 4 रुपये दे रहे हो, तो कितना रुपये आएगा, यानी कि प्लस और माइनस को माइनस करते हैं तो 4। यानी कि 4 का साइन क्या था, माइनस साइन बड़ा था, तो हम लोग ने माइनस साइन लगाया, प्लस 8n, तो n हो जाएगा 180 इज इक्वल टू। अब लिखेंगे हम लोग, ये देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, n का मल्टीप्लीकेशन ये पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो क्या होगा 4n हो जाएगा, लेकिन माइनस में था माइनस। अब यहाँ पे n का मल्टीप्लीकेशन प्लस 8n में, तो n n क्या होगा इंटू n हो जाएगा। तो इस तरीके से 180 इज इक्वल टू −4n। हम लोग को साइन को एकदम ध्यान से रखना है, 8n का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, हम लोग को उसको सॉल्व करना होगा ऐसे ही। तो देखते हैं, अब हम लोग ये पूरे इक्वेशन को ये साइड लेके जाते हैं, तो 4 था तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 8xn² प्लस था, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस था, 180 इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर हम लोग उसको, तो −8n² प्लस 4n, यानी कि ax² प्लस bx + c, हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले उसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको उसमें सिखा दूंगा। तो अभी देखेंगे हम लोग 4 से, अगर इसको 1 करना है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं सब में, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, तो कितना आता है हम लोग को, डिवाइड बाय 4, यानी कि 4 2 2n² प्लस 4 1 1 हो जाएगा n, प्लस यहाँ पे 4 से 180 से डिवाइड करते हैं, 4 4 1 4 5, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 45 आएगा, इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड बाय फोर इन बोथ साइड, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड। अब हम लोग आज के आगे का देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिला था, −2n² प्लस एन प्लस 45 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो हम लोग इसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपको पता है, पहले देखो −2 है, मल्टीप्लीकेशन −2 × 45 इज इक्वल टू −90 आया, यानी कि ये जो है पहला और तीसरे का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 90 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे हम लोग को क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म प्लस माइनस करने पे आना चाहिए। तो हम लोग को ऐसा कोई टर्म ढूंढना है जिससे हम लोग को 1 आए, मल्टीप्लाई करने पे −80 और 1 कर प्लस माइनस करने पे 1, तो हम लोग को क्या हो जाएगा देखते हैं, यानी कि 10 9 का क्या होता है, हम लोग को देखो दो टर्म मिला, 10 मिला और 9 मिला, हम लोग को उसको 90 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो भी प्लस में। तो कैसे होगा, अगर हम लोग दोनों को, अगर हम 10 माइनस 9 करें, सॉरी 10 × −9 करें तो
और 10 -9 करे दो, हो गया, यानी कि 10 × 9 इज -9, -9 की हो जाएगा और 10 - 9 इज 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो देखो हम लोग इसको दो पार्ट में लिखेंगे, 2n2। अब देखो हम लोग इसके लिए हम लोग कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे प्लस 2 10, इसकी जगह n लिख देंगे, 10n - 9n + 4 0। इसको हम लोग पूरे अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो इसका टेंशन लेने की, अगर आपको ये नहीं भी समझता तो हम लोग इसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों में, अब पहले दो टर्म है उसके बाद के दो टर्म लेंगे। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं -2n, देखेंगे फिर बचेगा क्या, यहाँ पे n -2n² जाएगा प्लस यहाँ पे 10 है, 10 5 10 होता है बरबर। फिर बाद में इस तरीके से -9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो -9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा n, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस था, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा वो माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या मिल गया है, n-5 जो कॉमन रहता है वो n-5 एक बार ले लेंगे, जो दो कॉमन रहेंगे उसको एक बार लेंगे, अब जो बचेगा वो लेंगे -2n - 9, देखते हैं ओके। तो इस तरीके से हम लोग को अभी दो बार हम लोग को ले लेंगे दो इक्वेशन, n-5 = 0 और -2n - 9 = 0। अब n = 5 हम लोग को मिल गया है और दूसरा क्या मिलेगा, -2n 9 को उस साइड लेके जाएंगे 9, n = -9/2 यानी कि 4.5, माइनस में 4.5 मिला हम लोग को। तो हम लोग को कभी भी जो आंसर होगा n का वो पॉजिटिव में होगा, तो हमारा जो भी आंसर रहेगा n ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, n मिल गया, हम लोग को क्या फाइंड करना था, an फाइंड करना था। तो an के लिए फॉर्मूला क्या है, हम लोग को an फाइंड करना, यानी कि a n क्या था, 5 था, 5, तो 5 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 4d, एन माइनस वन करेंगे तो ए प्लस 4d। ए का वैल्यू क्या था, 2 था हमारे पास, ए 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d फॉर्मूला हो जाएगा, और ए का वैल्यू हमारे पास क्या था, 2 था, प्लस 4 का वैल्यू क्या, 4, और d का वैल्यू क्या था, 8 था। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 + 8 = 32 प्लस 32 + 2 = 34। तो इस तरीके से हम लोग को ए 5 आ गया, जो पूछा था हम लोग को ए आ गया। लाइक ए 5 के लिए हम लोग तो जानते हैं an + n-1 × d करेंगे तो ए प्लस 4d हम लोग को मिल जाएगा। तरीके से इसका वैल्यू पुट किया और हम लोग आ गया ए 5 34।